जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। आ जाइए संगत जी, जल्दी जल्दी सत्संग स्टार्ट करते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हैप्पी मदर्स डे टू आर गुरु जी, हैप्पी मदर्स डे टू आर प्यारी प्यारी संगत जी, प्यारी प्यारी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, थोड़ी सी संगत और जुड़ जाए तो मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ शेयर करना। बस आप अपना शेयर करते जाइए आगे, ताकि जिसको गुरु जी जो आंसर दिलवाना चाहते हैं सत्संग शेयरिंग के दौरान, उनको उनके आंसर्स मिल जाए। मैं बहुत हेजिटेट करती थी संगत जी अपना सत्संग शेयर करने में। इनफैक्ट जब मैं स्टार्टिंग में जुड़ी थी तो तब एक जब सत्संग होता था कहीं पे जाती थी तो वहाँ पे थोड़ा सा पीछे रहती थी कि आगे आगे नहीं होना, मुझे नहीं जाना। अगर मैं आगे खड़ी हूँ तो मैं पीछे मूव कर जाती थी कि भैया कोई मुझे ना माइक ना पकड़ा दे कि आंटी सत्संग शेयर करो। तो आज गुरु जी की कृपा देखिए, गुरु जी की मेहर देखिए कि माइक छोड़ो, गुरु जी ने यहाँ बिठा के सत्संग शेयर करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये सिर्फ पॉसिबल गुरु जी के दरबार में ही हो सकता है। ये हेजिटेशन सिर्फ गुरु जी ही दूर कर सकते हैं। और सबसे पहले गुरु जी ने मेरी यही वीकनेस थी और यही वीकनेस को दूर करा, मेरी हेजिटेशन दूर करी। मैं बहुत हेजिटेट होती थी सच में। मैं किसी भी सत्संग में जब भी जाना, पीछे पीछे रहना कि कोई मुझे गलती से माइक ना पकड़ा दे कि आंटी आप ही शेयर कर दो सत्संग। मैं कहती थी गुरुजी सॉरी बट मैं पीछे जा रही हूँ, मुझे ना पता नहीं बहुत घबराहट होती है, मैं नहीं कर सकती। और आज गुरुजी ने ऐसा कर दिया, अपने दरबार में अपने साथ बिठा के गुरुजी सत्संग शेयर करवाते हैं। जय गुरुजी सीमा आंटी, जय गुरुजी, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल मदर्स। संगत जी, आप आज सबसे पहला सत्संग मैं ये शेयर करूंगी, इस साल का सबसे पहला जो सत्संग गुरुजी ने मेरा बनाया वो कान्हा जी के ऊपर। और सबसे पहले जो सत्संग शेयर करना चाहूंगी संगत जी, मेरी वॉइस क्लियर है संगत जी? बिल्कुल। मैं कान्हा जी का सत्संग शेयर करूंगी सबसे पहले, मेरे लड्डू गोपाल का, मेरे लाडले लड्डू गोपाल का। तो संगत जी, इस बार होली पे जैसे कि मैंने सोचा कि मेरे हमारे घर पे गुरु जी की कृपा से एवरी मंथ 7 तारीख को सत्संग होता है, ये गुरु जी ने ही आज्ञा दी और गुरु जी ही करवाते हैं ये सेवा। संगत जी क्या हुआ कि और आप बिलीव करेंगे, मेरे घर 7 तारीख का था और आई थिंक 2-3 दिन पहले ही हमारे यहाँ नरसी में, हमारा ब्लॉक है नरसी विलेज, वहाँ पे मंदिर है छोटा सा गणेश मंदिर, और बिल्कुल घर मतलब घर से कुछ टाइम पहले एंटर होते ही ब्लॉक के अंदर राइट साइड में मंदिर बना हुआ है। क्या होता है संगत जी, सोनिया आंटी है मेरे घर के बिल्कुल साथ में, सोनिया मेहता आंटी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, बहुत मतलब एज अ सिस्टर जो भी समझ लीजिए, क्योंकि गुरु परिवार में सारे हम लोग एक फैमिली बन चुके हैं। तो वो मंदिर का सारा संभालती है। उन्होंने मुझे इनवाइट करा कि रूपाली आंटी 2-3 दिन पहले कि 7 तारीख से 2-3 दिन पहले कि हम ना मंदिर में ना फूलों की होली खेलेंगे कान्हा जी के साथ। मैं कहा अच्छा जी। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी संगत जी, मैं बहुत कम जाती हूँ मंदिर, मैं नहीं जा पाती ना, पता नहीं अब ये गुरु जी को पता क्या है। संगत जी क्या होता है कि मैं मन बनाया, मैंने कहा यार उसने इतने प्यार से इन्वाइट करा है, आई हैव टू गो, मुझे जाना चाहिए। तो मैं चली गई। उसने कहा अपने कान्हा जी को लेकर आई हो त्यार श्यार करके। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई। बहुत रौनक लगी हुई, बहुत अच्छा भी लग रहा था, बट मैं ज्यादा देर टिक नहीं सकती, जिसे कहते हैं ना मंदिर में बैठना टिकना, मैं नहीं कर सकती थी। तो मैंने क्या करा, मैंने ना मन में थोड़ी देर बैठी, आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा। तो मेरी एक फ्रेंड और खड़ी थी सारिका आंटी, मैं उनको कह रही हूँ, मैंने कहा सारिका मैं ऐसा करती हूँ कान्हा जी को छोड़ जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ, मैं शाम को ले जाऊंगी, 2-3 घंटे 4 घंटे का प्रोग्राम है, मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती। वो मुझे बार बार रोके, तेरे को क्या हो रहा है,
टिक जा बैठ जा आराम से, कोई बात नहीं, चली जाइए, इतनी रौनक लगी हुई है। मैंने कहा अच्छा थोड़ी देर और बैठ जाती हूँ। अब मैं थोड़ी देर और बैठ गई, फिर मन अंदर से, मन वही चीज आती है ना, मन कह लो या दिमाग कह लो, दिमाग के चल वाली चलते है, कान्हा जी को छोड़ जा, सोनिया को बोल दे कि मैं ना शाम को ले जाऊंगी कान्हा जी को, मंदिर में बैठे रहने दे। अभी कदम ना उठे, कदम पीछे जाए ही ना, गुरु जी की आज्ञा थी ना नहीं जाना। अच्छा बहुत प्यारा सत्संग है ये संगत जी। फिर क्या होता है कि मैं रुकी रही, 2 से 3, 3.5 घंटे तक मुझे गुरु जी ने उस दिन मंदिर में बिठाई रखा, मैं बैठी रही वहां पे। अच्छा अच्छा लग रहा था देख के, बहुत रौनक लगी हुई है, बट एक कहते ना टिकाओ नहीं हो रहा था कि बैठ जाऊं टिक के। फिर क्या होता है कि उस दौरान, उससे पहले क्या हुआ, सुबह का बताती हूँ, मॉर्निंग का, जिस दिन मैंने मंदिर जाना था उससे पहले मॉर्निंग में मेरे साथ क्या होता है, जय गुरु जी अनु आंटी, मॉर्निंग में मेरे साथ क्या होता है कि ज्योति कपूर आंटी का मुझे कॉल आता है कि रूपाली मैं ध्यान में बैठी थी और मुझे ना पता, हाँ शायद यही बोला था, ध्यान में या पता नहीं अमृत वेले का ड्रीम आया उनको। उनको क्या दिखाते हैं गुरु जी, कहते हैं रूपाली तेरे घर ना कान्हा जी ना होली खेडन आने वाले ने। और संगत जी मेरे मुंह से क्या निकला, मैंने कहा ज्योति भाभी तू पागल हो गई, मैं क्या हो गया था, क्या दिखा रहे हैं गुरु जी, जय गुरु जी रूपाली आंटी, आई एम ऑल्सो रूपाली। और संगत जी क्या होता है, मैंने उसको ऐसे मजाक में ये चीज कह दी, जय गुरु जी सुनीता आंटी, जय गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक। तो कहती नहीं मैं तेरे को बता रही हूँ, मुझे गुरु जी ने दिखाया है कि तेरे घर ना कान्हा जी होली खेलने आएंगे। मैंने कहा भाभी ये क्या कह रही है यार, मेरे घर तो कान्हा जी ऑलरेडी है, कहाँ से कह रही है आएंगे। कहती मेरे को नहीं पता, बस मुझे दिखाया है और तेरे घर आई है और बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं, और तू कोई माखन बना रही है और तेरी विंडो से, जय गुरु जी राहुल अंकल कहती किचन में मेरी विंडो है, तो कहती तेरी विंडो से ना वो छोटे से हैं बाल गोपाल ऊपर, जय गुरु जी रीना आंटी वो ना ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हैं, बट वो ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं कि भी ये माखन बना रही है और ये माखन मुझे दे, जय गुरु जी गौरव अंकल। तो मैं इसकी सुनती रही मैं सत्संग, मैंने कहा सच कह रही है भाभी, कह रही हाँ रूपाली तेरे घर सच में कान्हा जी होली खेलने आएंगे, जय गुरु जी शालू आंटी। तो मैंने कहा अच्छा ज्योति भाभी, तो आगे फिर उसने मुझे बताया, कहती विंडो से वो ताक झाक कर रही है कि तू माखन बना रही है और वो तू उनको देगी, उनको दिल था खाने का। उसके बाद क्या होता है, वो अंदर आ जाते हैं, उसके बाद कहती तेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी गए हैं वो और वहाँ बड़ा ही खुश है, बहुत खुश है तेरे घर में, वो ऑफिस में भी जाके बड़े खुश है, पैरों में पायल सी बांधी हुई है और झूम रहे हैं बड़ा। संगत जी ये तो मैंने सुन लिया सत्संग, मैं बड़ी खुश हुई। अब मैंने जाना था मंदिर शाम को, मैं 3:30 बजे के करीब मैंने जाना था, 6:30 के करीब प्रोग्राम वहाँ मंदिर का खत्म होता है। और सोनिया आंटी मुझे बताया तो था बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि भी प्राइजेस निकलने हैं वहां पे, तो मैंने कहा अच्छा, तो कहती हाँ प्राइजेस निकलने हैं, कुछ नंबर्स डलेंगे। संगत जी मैं इतनी झली, मुझे प्राइजेस का तो उसने बोल दिया और मैं भूल भी गई। शुक्राना शुक्राना गुरु जी शुक्राना। ये संगत जी शेयर करते जाइए ताकि सबको उनके आंसर्स जवाब गुरु जी जिनको जिनको दिलवाना चाहते हैं मिलते जाए। फिर क्या होता है संगत जी, जैसे ही खत्म ही था ऑलमोस्ट, तो मुझे सारिका ने बोला रूपाली तू रुक जा अभी, बस खत्म होने वाला बेटा, राजे चलते हैं फिर। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं अपनी धुन में खड़ी हूँ, अपनी मस्ती में मंदिर में खड़ी हूँ, सबसे पीछे लास्ट में। सोनिया आंटी की आवाज, कोई नंबर बोला उन्होंने, मुझे नंबर ही नहीं पता, मैंने उनको पूछा ही नहीं कि तूने मेरा क्या नंबर डाला है ड्रॉ का, भाई जो तूने प्राइजेस निकाले, मैंने पूछा ही नहीं, ना मुझे पता। उसने एक बार नंबर बोला, दो बार बोला, मुझे नहीं पता, तीसरी बार वो मेरा नाम बोलती है रूपाली सेतिया, मैं फिर नहीं, मेरे को सुनाई दिया। चौथी बार उसने फिर दोबारा नाम मेरा लाउडली बोला और माइक में बोली कहाँ घूमे,
इधर ध्यान दे, तेरा तेरे काना जी निकले हैं। मैंने कहा है, मैं क्या बोल रही है, सारी क्या कहती, दौड़ के जा फटाफट। मैं जाती हूँ, जब मुझे काना जी उसने हाथ में दिए, मैं तो वही हक्की पक्की रह गई। मैंने कहा गुरु जी माई गॉड, मैं क्या आपने मुझे 3-3.5 घंटे मंदिर में इसलिए रुकवा के रखा था कि यार मुझे काना जी देकर ही भेजने थे आपने, और वही ड्रीम आपने सुबह ज्योति आंटी को भी दिखा दिया कि तेरे घर काना जी होली खेलने के लिए आने वाले हैं, जिसको मैं ये कहती हूँ कि काना जी तो ऑलरेडी मेरे घर में बैठे हैं और बाल गोपाल रूप में ही आने वाले, ये भी उसने बोला, और वही थे, बाल गोपाल रूप में ही आए। और संगत जी आप ये देखिए, वो काना जी जब मैं घर लेकर आती हूँ, गाड़ी में जैसे ही मैं आती हूँ, एंटर होती हूँ, मेरे अंकल सोफे पे बैठे हुए, मेरे हस्बैंड, और मैंने, वो मुझे पूछते ये क्या है। मैंने कहा ये ना, मेरे को देखना विक्रम, काना जी मिले हैं मंदिर में से एक और। अरे वाह तेरी मौज है, कर अब दुआ सेवा इनकी भी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूंगी। तो मेरे, तब तक मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि ज्योति आंटी, क्योंकि मैंने उनको बताया ही नहीं था, सुबह बात हुई, फिर मैं बिजी हो गई, फिर मैं मंदिर चली गई, शाम को मैं आती हूँ, मैंने उनको सत्संग शेयर करा ही नहीं था बिल्कुल भी, उनको A to Z कुछ नहीं पता था। जब उनके मुंह से निकला काना जी को देख के, मुझे कहते रूपाली ऐसा कर, एक काना जी तेरे पास है ना घर पे, इनको तू ऑफिस में बैठा। मैं एकदम हक्की बक्की, मैंने कहा ये क्या कह रहे हो, कह रहे हाँ ऑफिस में बैठेंगे ये मेरे पास। मैंने कहा ठीक है, मैं कल बिठा दूंगी तैयार त्यूर करके। तो मैंने कहा विक्रम लेकिन मुझे इनके चेंज करने होते हैं, खाने का कैसे, कह रहे कोई नहीं वो भी हो जाएगा, तू हफ्ते के हफ्ते 10 दिनों बाद ले आया कर, चेंज कर दिया कर, कोई बात नहीं तू, लेकिन ये बैठेंगे ऑफिस में। तो बड़े उसमें ये बोले, मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा है, और मैं गुरु जी को देख रही हूँ मन में, गुरु जी के साथ मेरी टेलीपैथी मेरी बात चल रही है। मैंने कहा वाह गुरु जी, जो जो उसने बताया था एग्जैक्टली वही चीज आप करवा रहे हो। मैं एकदम छूटते साथ ज्योति आंटी को कॉल करती हूँ। मैंने कहा ज्योति आंटी अब मैं विक्रम को सत्संग सुनाने लगी हूँ, तू कॉल पे रह और मुझसे बात कर। कहती मैंने उसको बताया, वो हैरान, कहती देख मैंने तेरे को बोला है ना तेरे घर काना जी आने वाले हैं, तूने आगे से मुझे क्या बोला, काना जी तो ऑलरेडी मेरे पास बैठे हैं, तू पागल हो गई है, वो कहाँ से आने लगे हम दोबारा। कह रही देख रूपाली गुरु जी की महिमा। मैं कहा वाह गुरु जी शुक्राना, और आज वो दूसरे वाले काना जी बाल गोपाल ऑफिस में बैठे हैं हस्बैंड के चेयर के बिल्कुल साथ, इतना इतने प्यारे लगते हैं वो, शुक्राना गुरु जी इस तरह ब्लेस करने का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरु जी की महिमा अपरंपार है संगत जी, सरेंडर कर दीजिए खुद को गुरु जी के हवाले कर दीजिए, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, वो सब संभाल लेंगे। बस विश्वास की बात है, डगमगाना नहीं है, विश्वास। हमें अपने पेरेंट्स पे कितना ट्रस्ट रहता है कि हमारे पेरेंट्स हमें कुछ होने नहीं देंगे, हमारे मम्मी पापा हमें कुछ होने नहीं देंगे, उस तरह से अपना विश्वास डटा के रखिए कि गुरु जी बैठे हैं वो कुछ होने नहीं देंगे। ये सच है, वाकई में गुरुजी पल पल साथ हैं, उन्हें फील कीजिए, उन्हें महसूस कीजिए, कहीं जा रहे हैं उन्हें साथ लेके जाइए, उन्हें हर पल महसूस कीजिए, वाकई में गुरुजी हर पल साथ हैं। आप किसी मर्जी को मानिए, गुरुजी ये नहीं कहते कि आप उसको मान रहे हो, उस रब को मान रहे हो तो उसे छोड़ दो, मुझे मान रहे हो तो उनको छोड़ दो, उनको मान रहे हो तो मुझे छोड़ दो, नहीं। बस वो गुरुजी एक ही चीज सिखाते हैं कि अपना विश्वास जो है उसे डगमगाइएगा मत, ट्रस्ट रखिए गुरुजी पे। हर काम बनवाते हैं, परीक्षा भी लेते हैं, बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं गुरुजी के राज में भी, अगर राज करना है तो उस परीक्षा में गुरुजी खुद पास करवाते हैं, विश्वास मानिए। जैसे कहते हैं ना कि स्कूल में हर टीचर चाहता है ना कि भी ये बच्चा मेरे स्कूल से पास आउट हो, पास आउट हो तो स्कूल का नाम होगा राइट, बट वो टीचर कहीं ना कहीं कोशिश करते कि यार मेरा दिल है, मैं इसकी मदद करूं, इसकी हेल्प आउट, इसको हेल्प आउट करूं कि ये विल पावर आंटी गुरुजी देते हैं, गुरुजी ही देते हैं। आप अपना विल पावर अगर रखना चाहते हो गुरुजी के साथ रखो,
मैं जो आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि स्कूल में आपको ये पता है कि एक टीचर आपकी हेल्प करना चाहता है, क्यों चाहता है कि वो स्कूल का नाम होगा, राइट। बट यहाँ गुरुजी ये नहीं कहते कि मैंने अपना नाम करना है, वो कहते हैं मैं तेरा ही नाम करना है, मैंने तुझे ही पास करना है हर हाल में, हर मैं कह रही हूँ डूबती नैया में भी पार वही लगाएंगे, उनके हवाले हो जाइए, अपने बच्चों को सरेंडर कर दीजिए। होती है टेंशन, मैं ये नहीं कहती कि टेंशन्स नहीं होती हैं, होती हैं। वो टेंशन्स ही हमारी परीक्षा है, हमारा टेस्ट है, गुरुजी उसी में हमें पार लगाएंगे, उसी में हमें गुरुजी हमारा इम्तिहान भी तो लेंगे ना। संगत जी सच कहती हूँ, गुरुजी के साथ जुड़ना बहुत बहुत एक अलग ही एहसास है। मैं कह रही हूँ शुक्राना गुरुजी, आपने हमारी बांह फड़ी, हमें अपना बनाया, अपनी गुरु संगत में हमें शामिल करा। कौन जानता था हमें संगत जी, आप खुद सोचिए, आपको मुझे हम सबको कौन जानता था। हमारे गुरुजी के नाम से आज हम जाने जाते हैं, उनकी पहचान से हम पहचाने जाते हैं। अब ये देखिए संगत जी, एक सत्संग और शेयर करती हूँ कि मैं मुझे लास्ट टू लास्ट ईयर की है बात, जय गुरुजी मीनाक्षी आंटी, मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जय गुरुजी सुनीता आंटी, पैनक्रियाज की। मुझे नहीं पता था कि मुझे पैनक्रियाज का प्रॉब्लम हो रहा है, वो इतना सीरियस मैटर होता है, मुझे उसके बारे में ए टू जेड नहीं पता था। गुरुजी साक्षी हैं, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में, नॉट इवन मेरे अंकल को पता था, हमें नहीं पता था बिल्कुल भी। संगत जी आप बिलीव करेंगे कि मैं अमृत वेले बैठी थी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की आज्ञा से, और बड़े अच्छे से आनंद ले रही थी बहुत, जय गुरुजी रेणु आंटी, मैं मगन थी पूरी, जिसे कहते हैं ना, मैं पूरी मगन थी गुरुजी के साथ। मेरे को पेन्स छिड़ी कुछ दिन पहले, और मुझे ना लगा था हल्का था, मुझे लगा शायद ना दो तीन दिन हो गए कोई वाईबाजी होगी। मैंने साथ में अपनी फ्रेंड को पूछा, हो गया थी मुझसे तरबाली कोई वाईबाजी, कोई दाल तूने ऐसी खा ली हो, वाईबाजी भी हो जाती है। चलो मैंने उसका ट्रीटमेंट घर में ही कर लिया, कुछ नींबू पानी है ये सब लेके कर लिया, मैंने कहा हो जाऊंगी ठीक, कोई ऐसा ऐसी दिक्कत नहीं है कि डॉक्टर को दिखाना पड़े। अब वो पेन्स बढ़ती जा रही थी डे बाय डे, वो ना एब्डोमिन में बैक पे घूम के जा रही थी पूरी पेन। समझिए क्या होता है, मेरे घर में ना लव बर्ड्स थी, किसी ने गिफ्ट करी थी, वो थी फोर, चार लव बर्ड्स थी। संगत जी उन लव बर्ड्स को मुझे बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि वो कलरफुल थी, कोई ब्लू थी, कोई ग्रीन, कोई वाइट, बड़ी प्यारी प्यारी कलरफुल्स थी लव बर्ड्स जो थी। अच्छा वो क्या होता है संगत जी, मैं बैठी हूँ, एक दिन उठती हूँ सुबह अमृत वेले तो देखती हूँ एक लव बर्ड डेड पड़ी है, मर चुकी है। ओ माय गॉड, मैं देख के हैरान, मैंने कहा ये अचानक क्या हुआ है, रात को तो अच्छी वाली थी, मैं भी इतनी इनके साथ खुश हो रही थी, ये खेल रही थी जैसे, तो अचानक ये फर्स्ट डे हुआ। अनदर सेकेंड डे अगेन क्या होता है, दूसरी मर गई। अब दो चार दिन बाद फिर क्या होता है, तीसरी भी मर गई, चार थी एक बची, तीन खत्म हो गई। और मैं बड़ी हैरान, गुरु जी के ब्लू चोले वाला स्वरूप जो है यहाँ पे था, तब गद्दी नहीं लगी थी गुरु जी की, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ी होकर मैंने गुरु जी को बोला, मैं कि गुरु जी ये क्या हो रहा है, ये किसके कष्ट काट रहे हो आप, जय गुरु जी गौरी आंटी, जय गुरु जी। तो मैंने गुरु जी को पूछा, मैंने कहा गुरु जी आप किसके कष्ट काट रहे हो, ये क्या हो रहा है, अचानक एक गई, दो गई, चार दिन बाद तीसरी भी गई, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है, पता नहीं किसके कष्ट काट रहे हो आप, बट जय गुरु जी। चलो मैं, मुझे पेन्स थी, मैं कभी यहाँ मंदिर में बैठूं, कभी बाहर यहाँ सोफे पे बैठूं, तो मुझे पेन्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जय गुरु जी नमन अंकल, जय गुरु जी। और इस दौरान क्या होता है, जय गुरु जी मीनू आंटी, शेयर करते जाइए संगत जी प्लीज। और इस दौरान क्या होता है संगत जी के लास्ट, जब मैं हार गई, मेरे हस्बैंड को कहा मुझे ना दिखाना पड़ेगा, मुझे पेन्स बहुत ज्यादा हो रही है, भूख उतनी लग नहीं रही थी लेकिन पेन्स बहुत ज्यादा थी, तो मैं डॉक्टर पे जाती हूँ, वो पैनक्रियाज के स्पेशलिस्ट नहीं थे,
मुझे नहीं पता था, जो हमारे मतलब फैमिली डॉक्टर है हम लोग जिन पे जाते हैं, मैं चली गई, मैंने दिखाया, उन्होंने चेक करा, टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सब कुछ करवा दिया उन्होंने। मेरा बेटा साथ था तब, वो एट अ टाइम क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को, कहते हैं ये ना कुछ मुझे पैनक्रियास का प्रॉब्लम लग रहा है जो रिपोर्ट्स आई आपकी। मैंने कहा वो क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। तो कहते मैम ये तो बड़ा रिस्की होता है, इसमें तो डायबिटीज़ का होना भी बड़ा वो है, नॉर्मल है, तो आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो इतने दिनों के। मैंने कहा मतलब जय गुरु जी अभी तक। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे छूटते साथ डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा। मैंने कहा सॉरी मैं एडमिट नहीं होंगी, मैं चल फिर रही हूँ, मैं एडमिट क्यों हूँ भला, ठीक है मुझे पेन्स हैं, आप मेडिसिन दो मैं घर ही रहूँगी, मैंने एडमिट नहीं होना, मैं घर आ जाती हूँ। उन्होंने मुझे 10 डेज की मेडिसिन दे दी उस टाइम, जो पैनक्रियाज की थी एंड जो भी ऐड करके उन्होंने देनी थी मेडिसिन दे दी, मैं घर आ गई। मैं घर आई, मैंने मेडिसिन ली, मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे एडमिट कब होता है, तो कह रहे नहीं नहीं एडमिट नहीं होना, डॉक्टर्स तो यूँ ही बोलते हैं, ठीक है। जब मैंने भी इनको कहा, मैंने कहा हाँ यार जब मैं अच्छी वाली चल फिर रही हूँ, काम कर रही हूँ किचन में, ऐवी एडमिट हो जाऊँ भाई, मतलब मेरे को नहीं होना। तो और मेरे को था, मैंने कहा गुरु जी मैं एडमिट हो गई, यहाँ कौन सेवा कौन करेगा, कौन संभालेगा। जय गुरु जी मीनाक्षी आंटी। तो उस दौरान क्या होता है संगत जी, मैंने 10 डेज, अच्छा मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल खाने का मना कर दिया, उन्होंने बोला आपने सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पे रहना है मैडम, आपने दलिया खिचड़ी रोटी कुछ नहीं, सब्जी कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं खाना। जय गुरु जी रितु आंटी, जय गुरु जी अनु आंटी, जय गुरु जी। तो मैंने कहा 15 डेज की दी थी उन्होंने, 15 डेज, पूरे 15 दिन की, 2 हफ्ते की दवाई थी और 2 हफ्ते उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि आपने कुछ नहीं खाना, आप खाओगे आपको पेन्स छिड़ेंगी, ये काम ज़्यादा खराब होगा, मेडिसिन भी लगेगी नहीं। चलो ठीक है, मैंने नहीं खाया, मैंने 15 दिन बिल्कुल लगा लो आप संगत जी दलिया खिचड़ी भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं, मैं लिक्विड भी थी। अब मैंने गुरु जी को बोला 15 दिन मुझे उन मेडिसिन से आराम नहीं आया बिल्कुल भी, उल्टा बढ़ती गई पेन। अब समझ जी क्या होता है, 16th डे मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, मुझे एक दो जनों ने वैसे ही बताया कि पैनक्रियास के ना मॉडल टाउन में डॉक्टर हैं अमित शर्मा, तो मैंने कहा वो स्पेशलिस्ट है, कहते हाँ उनको दिखाओ। तो मेरे अंकल को भी किसी ने बोला कि अंकल डिले मत करो, ये बहुत रिस्की होता है पैनक्रियास का, आप फटाफट हो सकता है तो उधर दिखा लो, वो पैनक्रियास के स्पेशलिस्ट है। जय गुरुजी ज्योति आंटी, नीरू आंटी, ज्योत्साना आंटी, जय गुरुजी सबको, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। उस दौरान हम 16th डे जब जाने लगे, क्योंकि 15 दिन की मेडिसिन मैं ले चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, 16th डे मैं गुरुजी के मंदिर में खड़ी होके, जय गुरुजी काजल आंटी, जय गुरुजी, मैंने गुरुजी को इतना स्वरूप रॉकस्टार वाले स्वरूप के आगे खड़े होके मैंने ये बोला गुरुजी को, मैं कि गुरुजी अपनी बेटी को 15 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, और कितने दिन भूखे रखोगे, बस हिम्मत बख्शी रखना गुरुजी, भूखी तो मैं रह लूँगी कोई दिक्कत नहीं, बस आप हिम्मत बख्शी रखना मुझे कि मेरे को 15 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, और आज मैं आपकी कृपा से दूसरे डॉक्टर पे जा रही हूँ और मेरे को एडमिट भी नहीं होना। जय गुरुजी इंदु आंटी, जय गुरुजी। और देखिए संगत जी हम दूसरे डॉक्टर पे गए, मेरे हस्बैंड थे और अमित अंकल थे, मेरे जीजा जी बने हुए बने नहीं हुए हैं सॉरी, और दीपक अंकल थे, हम लोग सारे ये भी वहाँ पहुँच गए। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो क्या होता है कि डॉक्टर ने छूटते साल मेरे अंकल को बोला कि ये ना जो इनके स्टार्टिंग के 3 डेज थे बहुत रिस्की थे, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, पैनक्रियास के इनको जिस तरह का पेन, उन्होंने रिपोर्ट्स देखी सारी, रिपोर्ट्स देखी, फिर उन्होंने मेरे को कहीं पता नहीं स्कैनिंग के लिए भी भेजा आई थिंक हाँ, तो उन्होंने वो रिपोर्ट्स आई तो उन्होंने बोला कि जय गुरु जी रिधिमा आंटी कि ये जो स्टार्टिंग के 3 डेज थे वो बहुत रिस्की थे, कुछ भी हो सकता था इनको पेन्स। तो मेरे अंकल भी एकदम घबरा गए, हो सकता था मतलब ऐसे को क्या इसको हुआ है। तो
मैं भी एकदम सुन के हैरान कि भी कमाल है। तो आगे से डॉक्टर ने ये बोला कि देखिए सर, मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 3 डेज की कह रहा हूँ, रिपोर्ट्स बता रही है इनको पेन्स बहुत गंदी वाली हुई है, वो बहुत रिस्की थी इनके लिए, बट अब जो सिचुएशन है उसमें ये रिकवर कर रही है धीरे धीरे। हमें 3-4 दिन के लिए ड्रिप देनी होगी, तो आप ऐसा करना, या तो एडमिट नहीं करता मैं। उन्होंने छूट खुद ही डॉक्टर ने बोला, कहते मैं एडमिट नहीं करूंगा इनको, मेरे को लग नहीं रहा ये चल फिर रहे हैं, नो नहीं, एडमिट की जरूरत ही नहीं है। मैं वहीं खड़ी होके अंदर ही अंदर मन में गुरुजी को शुक्राना कर रही हूँ कि लव यू गुरु, पर लख लख शुक्राना आपका। और ये हो गया, उन्होंने कहा आप सुबह शाम आके ना ड्रिप करवा जाना यहीं पे और ले जाना इनको, चलो ठीक है। सेकेंडली उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, अब आपने क्या करना है सर, इनको खाना खिलाना है, दलिया खिचड़ी नहीं, प्रॉपर रोटी सब्जी प्रॉपर इनको खिलानी है। हाँ, मसालेदार नहीं होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, फ्राइड नहीं होना चाहिए, बट इनको खाना खिलाना है आपने प्रॉपरली। और जहाँ ये लगा लो आप एक या दो रोटी, जय गुरु जी सरिता आंटी, रिधिमा आंटी, जय गुरु जी, जहाँ ये एक रोटी खाती है तो इनको आप 2 की 3 खिलाओ, डबल खिलाओ जितना हो सकता है, इनको खाना खिलाओ। पेन्स होंगी खाने से, बट कोई बात नहीं, मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ, आपको खाना जरूर इनको खिलाना है। मैंने कहा कमाल है गुरु जी, मैं मेरी आंखों में वहीं पे उनकी डॉक्टर के कैबिन में ही पानी आ गया आंखों में। मैंने कहा गुरु जी कमाल है, मैंने आपको कहा था, जय गुरु जी ममता आंटी, कि गुरु जी आपकी बेटी 15 दिन से भूखी बैठी है, कुछ नहीं खाया, और आज आप 16th डे मुझे, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं डॉक्टर को, बस इतना उन्होंने बोला आप क्या खा पी रहे हो। मैंने कहा मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, 15 दिन हो गए। कह रहे दलिया खिचड़ी भी नहीं? मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे को मना कर दिया था डॉक्टर ने कि दलिया खिचड़ी भी नहीं खानी है आपने, सिर्फ लिक्विड पे रहना है। और बस इतनी बात हुई, और मैंने कहा उस दौरान उन्होंने पेपर पे लिख दिया कि इन्होंने डबल डाइट लेनी है, जितना ये एक खाती है तो 2, 2 खाती है तो 3, इनको अच्छा खिलाना है आपने। जय गुरु जी सुबह लता आंटी, जय गुरु जी। तो मैंने कहा वाह गुरु जी, मैं वही खड़ी खड़ी शुक्राना मनी मन में कर रही, गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, व्यंत व्यंत शुक्राना गुरु जी, इससे आप मेरे दिल की बात कैसे आपने सुन ली, आपको पता था कि आपकी बेटी 15 दिन से बिल्कुल खाए पिए बिना रह रही है, और आज आपने, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं डॉक्टर को, छूटते सा डॉक्टर खुद आगे कह रहे कि एक तो एडमिट नहीं होना और दूसरा इनको खिलाओ। तो कैसे गुरु जी पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हर पल रक्षा करते हैं, ये आपके सामने है संगत जी। जय गुरु जी तन्वी आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी सच में मैं जितना शुक्र अदा करूं गुरु जी का कम है, ये लाइफ ये जिंदगी मेरे गुरु जी की ही दी हुई है, शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी एक और सत्संग अभी शेयर करती हूँ आपसे, कि कैसे गुरुजी ने मेरे, मैं नहीं जानती बट गुरुजी करवाना चाहते हैं ये सत्संग शेयर, मेरे अंकल की लाइफ को भी ब्लेस करा है मेरे गुरुजी ने। इनफैक्ट सबसे पहले एक सत्संग ये शेयर करूंगी संगत जी, कि मेरे गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी मैं जिस घर में रह रही हूँ, इस घर में मैं रेंट पे आई थी, सच में संगत जी मैं इस घर पे रेंट पे आई थी। कुछ पहले स्टार्टिंग में हमारी प्रॉब्लम्स थी बिजनेस में, कुछ था गुरुजी सब जानते हैं, बट उसके बाद गुरुजी की मेहर देखिए, बिल्कुल आंटी 3 birds वो मेरा ही दुख लेके गई। गुरुजी ने, मैं गुरुजी को पूछ रही थी कि गुरुजी आप किसके कष्ट काट रहे हो, ये तो जब मैं डॉक्टर से होके मिलके वापस आती हूँ, मुझे मंदिर में ही ये चीज को गुरुजी ने रियलाइज करवाया कि तेरे ही दुख कट रहा सी मैं, गुरुजी ने मेरे ही दुख काटे थे वो 3 birds का जाना, और वो 3 दिन मुझे जो मेजर पेन्स हुई पैनक्रियाज की, जस्ट इमेजिन आप सोच सकते हो कि मतलब क्या था, मैं खुद हिल गई थी ये चीज को फील करके, मुझे गुरुजी ने ही रियलाइज करवाया कि वो 3 birds का जाना और 3 दिन तेरी जो ज्यादा तबीयत खराब हुई थी वो मैं तेरे ही कष्ट काट रहा था, तू तो खड़ी होगी, मैंने पूछ दी पई सी कि गुरुजी किसके कष्ट काट रहे हो, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का।
और संगत जी क्या हो, मैं आपको बता रही थी इस घर का सत्संग कि मेरे गुरु जी की मेहर देखिए कि मेरे गुरु जी ने सबसे पहले जब मेरा बड़ा बेटा यूएसए गया 2 साल पहले तो गुरु जी हमने ग्रैंड सत्संग करवाया शुक्राने का गुरु जी की कृपा से। तो गुरु जी ने तब एक बहुत बड़े वाले पूरी वॉल जितना स्वरूप है गुरु जी का व्हाइट चोली में, तब उस रूप में गुरु जी आए घर पे, ठीक है। और जब छोटे वाला बेटा 1 साल पहले यूएस से गया तो गुरु जी ने मुझे, तब मैंने ग्रहण सत्संग करवाने लगी तो गुरु जी ने गद्दी बख्श दी। और गद्दी का भी ऐसा सत्संग है कि ड्रीम लॉकडाउन जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, कोमल कत्याल आंटी है घर के पास ही, उनको ड्रीम अमृत वेले में गुरुजी ने दिखा दिया था। उन आंटी ने मुझे पूछा भी था कि रूपाली आंटी आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि गुरुजी की गद्दी लगाने का। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं कहाँ से प्लान कर सकती हूँ, मैंने कहा ये तो गुरुजी आज्ञा देंगे बख्शेंगे। तो आंटी मैं करनाल से हूँ, तो मैंने कहा ये तो गुरुजी बख्शेंगे तो ही हम कर सकते हैं, हमारी क्या औकात है कि हम यूं ही अपनी मन मर्जी से कुछ कर जाए। तो चलो ये बात हो गई लॉकडाउन का। उसके बाद 2 साल बीत गए, अब लास्ट ईयर गुरुजी ने क्या करा कि जब मेरा बेटा छोटे वाला पहुंचा तो गुरुजी ने गद्दी ही बख्श दी कि अब तू फ्री है, हम तू सेवा पे लग जा, मेरी गद्दी लगने वाली है तेरे घर। ये भी बहुत प्यारा सत्संग है, ये भी शेयर करूंगी अगर आज टाइम रहा, आज नहीं तो नेक्स्ट में। तो मैं क्या बता रही थी संगत जी कि बिल्कुल रिद्धिमान जी, गुरु जी ने न्यू लाइफ बख्शी, बहुत शुक्राना गुरु जी का, जितना शुक्र अदा करो कम है, लख लख शुक्राना गुरु जी का, हर दिल से हर श्वास श्वास शुक्राना है मेरे मालिक का। संगत जी फिर क्या, गुरु जी ने सबसे पहले हमने जब घर लेना था तो स्टार्टिंग में वैसे ही पहले तो मेरी बात हुई मेरे अंकल से, मैंने कहा मेरा तो दिल है गुरुजी ना मुझे इसी घर में मिले हैं, गुरुजी आप मुझे इसी घर में मिले हो, मेरा दिल है मैं ये घर से ना जाऊं, बाकी अगर आप मेरे को कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, आपकी बेटी आपके साथ रेंट पे रह लेगी, किराए पे सारी उम्र धक्के खा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप रेंट पे रहोगे ना मेरे साथ, मैं रह लूंगी गुरुजी, आप बस हिम्मत बख्शी रखना। अब समझ जी क्या होता है कि सबसे पहले गुरुजी ने घर डन करवाया हमारा किसी और तरफ, यहाँ पे नूर महल है करनाल में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में गुरुजी ने वहां डन करवाया हमें एक फ्लोर, वो बख्शा गुरुजी ने। वो बख्शने के बाद जय गुरुजी, पूजा की जय गुरुजी। वो बख्शने के बाद गुरुजी ने मुझे, गुरुजी ने कहा पहले तू अपनी छत को फाइनल कर जहाँ तूने रहना है। अब मैं, मेरे मन में ना फिर भी कहीं कुछ था कि गुरुजी आप मुझे यहाँ मिले हो, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से गद्दी उठाऊं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती, मैं क्या करूं। संगत जी क्या होता है, लास्ट ईयर जून में मैंने हस्बैंड को वैसे ही बोला, मैंने कहा विक्रम मेरा ना मन कर रहा है, मेरे हस्बैंड ने कहा मैं ना अमित भैया को बोलता हूँ कि कोई ना साइट ढूंढेंगे फार्म हाउस या कुछ के लिए। तो जैसे ही इन्होंने बोला ना इन्वेस्ट करना है, मैंने कहा नहीं विक्रम रुको मेरी बात सुनो, मैंने कहा क्यों ना विक्रम। और उसके अगले दिन 7 तारीख को सत्संग था, 6 ये जून की बात है, 7 जून को सत्संग था, 6 जून को मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा विक्रम मेरा तो पता है क्या मन कर रहा है, क्यों ना हम यही वाला घर खरीद लें नीचे वाला फ्लोर, यहाँ गुरुजी बैठे हैं, मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि गुरुजी की गद्दी उठाऊं। विक्रम कहते हैं रूपाली, मैं कहते चल देख लेते हैं, सोच विचार अंकल से बात करते हैं, ऊपर अंकल हमारे रहते हैं हम उनसे बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आपने मेरे मुंह से निकलवाई है ये बात, अब ये आपको पता, अगर आप लेकर देना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा, नहीं तो बस अपनी रजा में रखना, कि मैं ये ना कहूँ कि हाय मेरा दिल टूट गया, हाय मैं ये हो गई। मैंने कहा गुरुजी जय गुरुजी नीलम आंटी जय गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी बस अपनी रजा में रखना कि आपकी रजा में राजी रहे हम लोग। और क्या होता है संगत जी, 7 तारीख को सत्संग हुआ, हमारी फैमिली थी जैसे सब बैठे थे हम लोग, तो मैंने अपने दिल की बात वहाँ शेयर कर दी कि भाई ऐसे ऐसे ना, मैंने कहा
अमित अंकल विक्रम ना कल रात को ना मुझसे बात कर रहे थे कि कोई जगह खरीदनी है। तो मैंने कहा कोई जगह कोई क्या करनी है हमने, मेरे तो मन में आया है कि ना क्यों ना हम यही घर ले लें नीचे वाला जहाँ गुरु जी विराजमान है बैठे। वो एकदम हैरान, जय गुरु जी मनीषा आंटी, जय गुरु जी, वो एकदम हैरान। कहते हैं, कहते बस फिर गुरु जी का नाम लो, जाओ ऊपर अंकल के पास साई लेके, देखी जाएगी जो होगा। भाई टोकन मनी दो उनको, अगर गुरु जी की इच्छा होगी तो वो यस कर देंगे, नहीं तो जो गुरु जी को मंजूर है। आप बिलीव करेंगे संगत जी, गुरु जी का इतना शुक्राना। जय गुरु जी दिनेश अंकल, अंकल मैसेंजर पे मैं नंबर आपको शेयर कर दूंगी। संगत जी क्या होता है, हम अंकल के पास गए, मतलब मेरे हस्बैंड के मुंह से एक ही बात निकली कि अंकल देखो मैंने अपने लिए नहीं लेना, हमने अपने लिए नहीं लेना, हमने वो ले लिया है, गुरु जी ने ही दिलवाया है। ये सिर्फ रूपाली के भी मन में आया है, मेरे भी आ रहा है कि गद्दी लगी है, गुरु जी विराजमान है, आप हमें ये घर दे दो, ये हमने गुरु जी के लिए ले लिया, यहाँ गुरु जी बैठे। संगत जी मैं कह रही हूँ गुरु जी की लीला, अंकल आंटी को सोचने का मौका ही नहीं मिला, ना हमें सोचने का मौका मिला, उन्होंने यस कर दी और गुरु जी ने उनको टोकन मनी दिलवाई, तो बस गुरु जी ने ये घर भी अपने लिए ले लिया। मैं क्या वाह गुरु जी, गद्दी लगवाई और कैसे आपने मेरे दिल की बात को सुना कि मेरा मन ही नहीं था कि मैं यहाँ से आपकी गद्दी उठाऊं, यहाँ मैं रेंट पे आई थी, किराए पे आई थी इस घर पे, मैं आज वो आपने अपना बना लिया उस घर को। वाह आंटी, सीमा आंटी मैं मैसेंजर में आपको शेयर कर दूंगी नंबर, ठीक है, आप मैसेंजर पे मुझे जय गुरु जी भेजना, मैं उस पे आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगी, ठीक है आंटी। और सबसे बड़ी बात संगत जी जो मैं कहना चाहती हूँ कि वहमों से दूर रहना है, किसी टाइप के किसी प्रकार के वहमों में मत डलिए। मैं कुछ लोगों को आज भी देखती हूँ, मैं कुछ कहते हैं जैसे थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती, मैं कुछ कहते हैं पता नहीं, काफी वहम है लोगों में। आंटी मैंने करनाल में ही, और देखिए संगत जी के गुरु जी की कृपा, मेरे को तो वहम ही नहीं आता। मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे नहीं वहम होता, मुझसे नहीं वहम पाले जाते थे, और आज गुरु जी को पता है, गुरु जी से जुड़ के तो मेरे को अगर कोई कहता भी नहीं, मैं कहती हूँ हाथ जुड़े हैं भाई, मेरे गुरु जी की आज्ञा ही नहीं है कि मैं वहमों में डलूं, और प्लीज वहमों से निकलिए बाहर, कोशिश कीजिए। अगर आप गुरु जी से जुड़े हैं, गुरु जी को सरेंडर कर बैठे हैं, तो वहमों से बाहर आइए, वहमों में मत डलिए, वहमों से तो हम खुद को खराब करेंगे। गुरु जी ने वहमों में नहीं डाल रखा, ना वो डालते, वो तो निकालने आए हैं वहमों से बाहर, हमें हम खुद ही वहम हमने बना रखे हैं, हम खुद ही उनमें धसे जा रहे हैं। संगत जी सच कहती हूँ, गुरु जी को सरेंडर कर दीजिए, बट प्लीज वहमों से निकलिए। हम लोग कहते हैं हमें मंथली लेडीज को प्रॉब्लम आती है, कुछ लेडीज होती हैं आरती नहीं करती हैं, माथा नहीं टेकती हैं। मैं कईयों को पूछती हूँ क्या बात आप आरती क्यों नहीं करने जा रहे हो, तो कई आंटी बोलते हैं आंटी मैं नहीं जा सकती। जरूर कुसुम आंटी, अभी मैं पूरे मंदिर के आपको दर्शन कराऊंगी, गुरु जी के भी करवाऊंगी, गुरु जी अभी सामने वैसे ही विराजमान है, ये देखो मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं, तो अभी पूरे मंदिर के आपको सबको दर्शन करवाऊंगी आंटी, जरूर करवाऊंगी, क्यों नहीं करवाऊंगी। तो सच में संगत जी गुरु जी वहमों से बाहर ही निकालने आए हैं। हम लोग सोचते हैं मंथली प्रॉब्लम्स आती है तो क्या हो गया, ये सब नेचुरल है, गुरु जी ने कुछ नहीं बनाया ये सब के लिए कि आप माथा ना टेके, आप आरती ना करें, ये चीज से बाहर आना है हमें। मैं कई अंकल आंटीज को मैं देखती हूँ, पूछती हूँ तो कई बार जवाब मिलता है नहीं हम नहीं कर सकते आरती इस बार, क्यों नहीं, क्यों नहीं, गुरु जी के साथ जुड़े हैं, गुरु जी नहीं कहते ये सब के लिए, प्लीज इन चीजों से बाहर आइए। गुरु जी आप गुरु जी कहते हैं ना अमृत वेले बैठना है तुमने, किसी भी टाइम बैठना है, मुंह हाथ धो के बैठ जाओ, नहाओ भी मत, वो तो हमारे मन का वहम है सिर्फ कि हाँ मैं नहाई नहीं और मैंने सुबह सुबह अमृत वेले में बैठ गई। सुनील अंकल जय गुरु जी, तो वहमों से किसी भी तरीके से बाहर आना है बस, और शुक्राना करते रहिए, गुरु जी को शुक्राना बहुत
आंटी मैं लाइव बहुत रेयर आती हूँ, जब गुरुजी की आज्ञा होती है मैं लाइव सत्संग शेयर, जब टाइम गुरुजी दिलवाते हैं मैं तब आती हूँ। हाँ, सुबह मंत्र जाप 1 घंटा 11 से 12 का जरूर चलता है डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी पेज पे, 11 से 12 का चलता है। बस आंटी गुरुजी पे छोड़ दीजिए, गुरुजी हाउस क्या महल दिलवा देंगे, गुरुजी पे छोड़ दीजिए। मैं ये कहती हूँ संगत जी कि हम जो पाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो टेम्परेरी होता है, जो गुरुजी देना चाहते हैं गुरुजी की रजा में रहिए, गुरुजी परमानेंट देंगे वो चीज। ये वाकई में सच है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं, मैं सच बता रही हूँ। आंटी मैंने कर दिया लड्डू गोपाल का सत्संग शेयर, आप लेट आए हो ज्योति आंटी, मैंने होली वाला सत्संग शेयर कर दिया। सच में गुरुजी की महिमा अपरंपार है संगत जी। एक सत्संग टाइम थोड़ा कम है तो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक भजन सुनाऊंगी बड़ा प्यारा सा, और गुरुजी के पूरे दरबार के दर्शन करवाऊंगी, एक सत्संग शेयर करूंगी मेरे अंकल का, उसके बाद वो हम लोग भजन सुनेंगे। वो भजन हमारी कंपनी से सोनिया अरोड़ा जी ने गाया है, मेरे परिवार की रखना लाज गुरुजी, वीरोज फिल्म्स का। आप लोग यूट्यूब पे जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बहुत ही प्यारा भजन गुरुजी ने बनवाया है, बहुत ही ब्लेस्ड भजन है, आप सुनिए, हर परिवार के लिए है वो भजन सच में। वीरोज फिल्म्स के नाम से सर्च कीजिए अपने यूट्यूब चैनल पर और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, आपको बहुत पसंद आएगा भजन, सोनिया अरोड़ा जी ने गाया है वो भजन, बहुत ही प्यारा भजन है, वो गुरु जी की आज्ञा से ही भजन तैयार हुआ है और बहुत ही ब्लेस्ड भजन है, गुरु जी की आज्ञा से वो भजन बहुत बहुत ऊपर जा रहा है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और अच्छा अंकल, मुझे तो पता ही नहीं आपने, गुरुजी ने आपसे ये भी लिखवा दिया 31 मई को आ रही है आंटी, वाह गुरुजी कमाल करते हो गुरुजी आप। अच्छा संगत जी, अब आपको एक छोटा सा सत्संग मैं शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद मैं भजन सुनवाऊंगी आपको और गुरुजी के दरबार के दर्शन करवाऊंगी। भूल चूक क्षमा करना गुरुजी, पता नहीं मैं कैसा सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, कैसा मेरे को बोलना नहीं आता, बट मैं जैसे बोल सकती हूँ गुरुजी, बस आप बुलवा रहे हो मेरे से, मैं इतना जानती हूँ। संगत जी, मेरे अंकल की लाइफ भी मेरे गुरुजी ने ही बख्शी है, सीरियसली। मेरे अंकल लास्ट ईयर मार्च में, शिवरात्रि थी और मेरे अंकल जो थे ये बाहर यूरोप गए हुए थे अकेले, और इनके साथ इनका एक कुलीग था साथ में। तो संगत जी, लास्ट ये यूरोप से टर्की आए थे, मेरी सेवा लगी थी कोमल कत्यान आंटी के घर पे, उनके घर शिवरात्रि का 1 मार्च को सत्संग था। जय गुरुजी लवण्या आंटी। आंटी क्या होता है, जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जा पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे, आप घर बैठे अपने घर पे चाहे अकेले बैठ के सत्संग कीजिए, जिस दिन गुरुजी की आज्ञा होगी गुरुजी वहां भी पहुंचा देंगे आपको सत्संग में। गुरुजी की रजा में रहिए, दिल मत उदास कीजिए बस। और संगत जी देखिए, मेरे अंकल को टर्की में, मैं सेवा में लगी थी 1 मार्च को, तो मेरे अंकल को ना सारा दिन फोन नहीं आया, तो मैंने कहा पता नहीं यार क्या हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रही है कि अंकल का सारा दिन हो गया, दोपहर हो गई है, यहाँ भी मेरी सेवा खत्म होने वाली है, शाम को सत्संग है, घर जाके ना विक्रम को कॉल करती हूँ, सारा दिन हो गया अभी तक उठे ही नहीं है, फोन ही नहीं आया। कुसुमांती जय गुरु जी। तो उस दौरान क्या होता है संगत जी कि जैसे ही मैं उठने लगती हूँ, गद्दी की सेवा पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, दरबार लग गया, रंगोली बन गई, मैं आने लगती हूँ, मेरे हस्बैंड का फोन आता है वीडियो कॉल दरबार में, मैं तैयार होने के लिए घर आने लगी, दरबार में ही कॉल आता है, मैंने फोन उठाया तो अचानक से सामने देखा तो इनके हाथ में बैंडेज पूरी लगी हुई है। पारुल आंटी जय गुरु जी। तो मैंने एकदम वीडियो कॉल पे देखा, मैंने कहाँ थे तुम, मैंने एकदम ध्यान नहीं दिया, मैंने एकदम पहले यही बोला, मैंने कहा कहाँ थे, सारा दिन हो गया अभी तक कॉल नहीं आया, मैं तो गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी को कह रही थी कि
देखना विक्रम कितने लापरवाह, अभी तक सो के नहीं उठे होंगे, गुरु जी के अभी तक फोन ही नहीं आया। तो प्रवीण अंकल जय गुरु जी, एकदम जब फोन आया मैंने उठाया, मेरी बात हुई, जब मेरे को इन्होंने दिखाया, कहते रूपानी यार मेरे साथ देख क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ ये? कह रहे मैं ना रात को गिर गया हूँ, कल रात को। मैंने कहा गिर गए हो, कैसे गिर गए हो? मैंने कहा हुआ क्या ये, एकदम इतना ज्यादा ही लग रहा है हाथ का प्रॉब्लम, हुआ क्या है? राइट हैंड था इनका। कहते रूपाली मैं होटल के एकदम स्टेप इन करने लगा हूँ, एक स्टेप सिर्फ सीढ़ी चढ़ा हूँ, अभी दो ही सीढ़ियां थी कुलदीप अंकल जय गुरु जी, दो ही स्टेयर्स थी। मेरे हस्बैंड कहते रूपाली मैं जैसे ही एक स्टेप मैंने पैर रखा, मुझे ऐसे लगा मुझे सामने से जैसे मेरी छाती पे मेरी को ऐसे किसी ने धकेला है पीछे की ओर, और मैं ऐसे जाके पूरा लंबा पड़ गया, पूरे लंबे सीधे। ये कहते मेरा सिर जमीन पे लगा, और मैंने सुनील को बोला अपने कुलीग को कि सुनील भाई मेरा सिर फट गया, मैं गया। और वो उठा के बोलता है कि नहीं विक्रम भैया, ललित अंकल जय गुरु जी, कुछ नहीं हुआ है, घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ, सिर ठीक है आपका। तो मेरे अंकल कहते हैं नहीं यार मैं गया, मेरे को बहुत जोर से लगी है। इतने में जब वो उठते हैं तो क्या देखते हैं, बाकी सब ठीक है, सिर भी बच गया। जो इन्होंने बोला कि मेरा सिर फट गया था, कह रहे मेरा सिर फट गया, मेरा हाथ गया, मेरा हाथ पे सारा भार डल गया, जोर पड़ गया, मेरा राइट हैंड बिल्कुल क्रिच की आवाज आई है ऐसे होके, कहते मेरा हाथ गया। अब ऊपर आए तो थोड़ी बहुत स्प्रे करके बैंडेज कर ली, तो कहते हैं भी सुबह तक ठीक हो जाएगा, देखते हैं कोई नहीं। अब सुबह तक कहाँ ठीक होना था, जब सुबह इन्होंने मुझे दिखाया वो तो बहुत बुरा हाल इनके हाथ का, स्वेलिंग पूरी और इतना बुरा हाल। मैंने उसी टाइम थोड़ा सा इनको गुस्सा करा, और सुनील जो इनके साथ थे भैया उनको डांटा। मैंने कहा संगीता आंटी जय गुरु जी, मैंने कहा सुनील अंकल आप क्या कर रहे हो भैया, मैं कह रात के वो गिरे पड़े हैं, आप उनको हॉस्पिटल लेकर जाओ, अभी मुझे सत्संग भी जाना है, मैं वहीं आपको बाहर निकल निकल के कॉल करती रहूंगी, मुझे अपडेट दो, विक्रम को हॉस्पिटल लेकर जाओ फटाफट, इनको तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा। आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ, भाभी ठीक है ज्यादा नहीं लगी है, बट इनके हाथ पे लगी है, आप देखो ध्यान से। संगत जी ये हॉस्पिटल गए, एक डेढ़ घंटे के बाद जब वापस आते हैं तो मैं सत्संग में जा चुकी थी और मैं बाहर खड़ी थी, बिल्कुल मेरा मूड बहुत अपसेट था, मेरी आंखों में भी पानी था। मैं गुरु जी को कहूँ कि ये हो क्या रहे गुरु जी, मेरे को फोन करके हस्बैंड बोलते हैं रूपाली मैं ना कल टिकट लेके इंडिया पहुँच रहा हूँ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले यार, इन्होंने तो कहा है मेरी हाथ की ना ये रिस्ट की हड्डी टूट गई है और प्लेट डलेगी। मैंने कहा प्लेट डलेगी? मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, गुरु जी हैं साथ, तुम फ्लाइट पकड़ के वापस आओ, हम यहाँ दिखाते हैं। उन्होंने टेम्परेरी बैंडेज कर दिया, जय गुरु जी कोमल आंटी जय गुरु जी। अब संगत जी क्या होता है, ये वापस आते हैं, मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी और गुरु जी को मैं कह रही, देखिए वही बात आ जाती है, हम अपनी चलाते हैं, ये गुरु जी को पता था कि गुरु जी ने क्या बचाव करा है। मैं गुरु जी को कह रही हूँ गुरु जी प्लीज प्लीज विक्रम की रक्षा करना, गुरु जी स्नेहा जी जय गुरु जी के, गुरु जी प्लीज विक्रम की रक्षा करना, वहां के डॉक्टर्स जो भी बोल रहे हैं अभी प्लेट डलेगी, बट मैं जानती हूँ आप प्लेट डलने नहीं दोगे, कुछ नहीं होगा, मेरे को विश्वास है। जय गुरु जी मंजू आंटी जय गुरु जी। अब मेरे हस्बैंड अगले दिन वापस आते हैं, मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी, ये रात को जैसे एक दिन पहले रात को उतरे तो मैंने सुबह सुबह की अपॉइंटमेंट ले रखी थी। मैं पहुंच गई हॉस्पिटल, उधर से मेरे दीपक भैया अमित भैया सब ये लोग सब पहुंच गए, मैं भी वहीं विक्रम को लेकर पहुंची। तो उन्होंने जब चेकअप करा तो उन्होंने भी एग्जैक्टली वही चीज़ बोली कि इनको तो प्लेट डलेगी, हार्डली 20-25 मिनट्स का ऑपरेशन है, प्लेट तो डलेगी हाथ में। तो हमने कहा फिर वो प्लेट निकालनी पड़ेगी हनीश अंकल जय गुरु जी, या वो परमानेंट रहेगी? उन्होंने कहा वो रहेगी अंदर, वो निकलेगी नहीं, वो रहेगी अंदर, बट एज सच कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट उषा आंटी जय गुरु जी, तो बट एक जैसे दिल में था मेरे, मैंने कहा गुरु जी क्या क्या हो रहा है ये, कैसे आ गए इतना बड़ा कष्ट आपके होते हुए, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही है। अच्छा उससे पहले संगत जी आप हैरान हो जाएंगे कि गुरु जी की लीला देखिए, उससे पहले मुझे नहीं पता था कुछ भी। मेरे अंकल का ऑपरेशन हो गया, मोनिका आंटी हैं दिल्ली में, उनका मुझे कोई सेवा थी,
मैंने उनके वहां भिजवानी थी, बट मैंने उनको कहा मैं ना ये ड्यूटी किसी और की लगा रही हूँ, मेरे अंकल ऐसे ऐसे गिर गए हैं तो वो आ जाए हैं, तो मैं ऑपरेशन वहां पे करवाने में बिजी होंगी आंटी, तो मैंने ना कोमल आंटी की ड्यूटी लगा दी, वो सेवा पूरी करके आपको वहां भेज देंगे। कह रही कोई बात नहीं, वो ना एक सेकंड के लिए चुप हो गई फोन पे, जैसे पत्नी क्या शौक लगा उनको। तो मैंने नहीं इतना ध्यान दिया, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ एक दो सेकंड के लिए मोनिका आंटी चुप हुई थी। अब उस दौरान मेरी उनसे दो दिन बात नहीं हुई। तीसरे दिन जब उनका कॉल आता है, नहीं मैंने शायद करा था, मैंने ही करा था कि मोनिका आंटी वो ना गुरुजी की सेवा जो है चोले की वो आपको आज डिलीवर हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना, आप टेंशन मत लेना। कह रही कोई नहीं रूपाली आंटी, आप अंकल का बताओ वो कैसे हैं। मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे उनका तो ऑपरेशन हुआ है, वो तो बड़ा बच के निकले हैं वहाँ। कह रही बच के निकले हैं? कह रही आप अपनी बात पूरी करो, मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ फिर। मैंने कहा मतलब? वो बड़ी हैरान हुई मेरी बात सुन के। मैंने कहा मोनिका आंटी पता है क्या हुआ है, मैंने कहा कल इनका ऑपरेशन हुआ है, ये कल जब आई है ना था सिर्फ 20-25 मिनट का ऑपरेशन, 22-25 मिनट्स का, मुझे डॉक्टर ने खुद ये चीज़ बोली थी, बट विक्रम को कम से कम भी 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे बाद बाहर लेकर आए। मैंने कहा मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर घूम रही हूँ, कोई बाहर आके मुझे कुछ बता ही नहीं रहा, इनफैक्ट मैंने डॉक्टर से पूछा जब 3-3.5 घंटे बाद डॉक्टर साहब बाहर आते हैं तो उन्होंने भी मुझे कुछ आंसर नहीं करा, उल्टा मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि बड़ा रूड थे डॉक्टर साहब। मैंने पूछा कि विक्रम सेतिया कैसे हैं, मेरे हस्बैंड हैं वो, भी ऑपरेशन ठीक हो गया डॉक्टर साहब, तो आगे से सिर्फ फोन में ध्यान ऐसे ऐसे करते हुए वो चले जाते हैं। मुझे थोड़ा सा अलग लगा, मैंने कहा यार डॉक्टर ऐसे नहीं कर सकते, ये कैसे बिहेव करके गए हैं। मैंने कहा गुरुजी सब ठीक रखना प्लीज, घबराहट भी थी अंदर से, बच्चे बाहर से बार बार फोन करे पापा का ऑपरेशन, मैंने कहा बेटे 20-25 मिनट का था, समझ नहीं आ रही है 3-3.5 घंटे हो गए हैं, लेकर ही नहीं आ रही है बाहर अभी तक, ये 4:30-5 बजे जब लेकर आते हैं, स्ट्रेचर पे थे मेरे हस्बैंड, तो मेरे को वार्ड बॉय ने बोल दिया मैम आप इनके साथ ही अंदर से लिफ्ट में रूम में चले जाएंगे, आप अंदर ही आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो लिफ्ट में ही मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बोलते हैं रूपाली इनकी आंखों से पानी था, मतलब होश पूरी नहीं थी बिकॉज बेहोशी का लगा रखा था जो भी, तो मेरे को कहते रूपाली तेरे को पता है मेरे को गुरुजी वापस लेकर आए हैं। मैंने आगे से बोला, मैंने कहा हाँ विक्रम गुरुजी ही लेकर आए हैं, मुझे पता है गुरुजी साथ थे तुम्हारे अंदर, गुरुजी की ही कृपा से तुम ठीक हो, ऑपरेशन ठीक हो गया, घबराओ मत। मुझे लगा शायद बेहोशी का है तो वैसे ही बोल रहे हैं, बट सारा दिन जब मिलने वालों का आना जाना लगा रहा, रात को अकेले में 11:30-11 बजे मैं खाना खाने लगी, इनको खिलाया तो मुझे फिर दोबारा हाथ पकड़ के बोले कहते रूपाली इधर आ मेरी बात सुन। मैंने कहा हाँ। कहते तेरे को नहीं पता रूपाली मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया था। मैंने कहा विक्रम क्या बोल रहे हो? कह रहे मैं अब तो बेहोश नहीं हूँ, अब तो होश में हूँ पूरी, मेरी बात सुन, मेरी बात शायद कोई नहीं मानेगा। मैंने कहा क्यों नहीं मानेगा विक्रम, बताओ क्या हुआ था? कह रहे ऐसे ऐसे मैं नहीं जानता, मेरा बीपी लो हुआ है या हाई हुआ है उनके किसी मेडिसिन से डॉक्टर्स की, बट मैं सच में चला गया था, मेरे को उन्होंने पंपिंग करी है अंदर, मुझे महसूस हुआ है पूरा सब कुछ पता चला है मुझे अंदर क्या हो रहा है मेरे साथ। कह रहे मुझे पंपिंग करी है उन्होंने और होश जब मुझे हल्का सा आया है तो मैंने डॉक्टर वेट को एकदम छूटते सार बोला है डॉक्टर साहब ले ही आए हो वापस मुझे, मैं तो गया था। जब ये बोले इनका भी रोना छूट गया, मैं भी इमोशनल हो गई। मैंने कहा गुरु जी मैं एकदम, मुझे रात को नींद ही ना आए सोच सोच के, मैंने हॉस्पिटल में ही मैंने कहा गुरु जी विक्रम ये कह क्या रहे हैं, और यही बात मैंने एग्जैक्टली मोनिका आंटी को बताई। जब मैंने अगले दिन मोनिका आंटी को ये बात बताई, मोनिका आंटी मुझे कहते रूपाली आंटी मेरी बात सुनो, विक्रम अंकल आपको पूरी बात सच बता रहे हैं। मैंने कहा आप कहना क्या चाह रहे हो मोनिका आंटी? मोनिका आंटी कहते कि मुझे भी गुरु जी ने अमृत वेले जिस दिन आपके अंकल गिरे हैं, आपके अंकल उस रात गिरे उसी अमृत वेले, क्योंकि वो 12 बजे के आसपास गिरे थे मेरे अंकल टर्की में, कह रहे उसी टाइम सुबह अमृत वेले मुझे ड्रीम दिखा दिया था गुरु जी ने रूपाली आंटी के, विक्रम अंकल सच में जा चुके हैं। मैं एकदम फोन में ना चुप हो गई थी, मैं
मतलब विक्रम रूम में थे और मैं बाहर जाके कॉरिडोर में बात कर रही थी। मैं एकदम चुप हो गई। मैंने कहा मोनिका आंटी ये क्या कह रहे हो आप? कह रही आप नहीं सुन पाते, इसीलिए मैंने आपको उस दिन नहीं बताया। आपको याद होगा जब आपने मुझसे सेवा वाली बात करी है और अंकल के एक्सीडेंट का बताया है, मैं एक सेकंड के लिए एकदम शॉक होकर चुप हो गई थी, क्योंकि मैं गुरुजी से बात करने लगी थी कि गुरुजी मेरा ड्रीम सच मत करना, आपने मुझे तो अमृत वेले ये ड्रीम दिखाया बट ये सच मत होने देना प्लीज। वो मेरे घर कभी नहीं आई है मोनिका आंटी। मोनिका आंटी कहते रूपाली आंटी रॉकस्टार वाले बड़े स्वरूप के आगे विक्रम अंकल खड़े थे, मुझे कहने जो मुझे ड्रीम में दिखाया गुरुजी ने, आप खड़े हो, आपकी बिटिया खड़ी है और विक्रम अंकल आपसे इजाजत मांग रहे हैं गुरुजी के सामने कि रूपाली मुझे जाने दे, मेरे दोनों बेटे सेट कर दिए हैं, अब जिया है जिया, बिटिया की जिम्मेदारी दोनों भाई निभाएंगे और तेरे लिए भी मैं सारा सेटअप छोड़ के जा रहा हूँ, तुझे कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होगी। ये अमृत वेले मोनिका आंटी को गुरुजी ने ड्रीम दिखाया, वो भी रो पड़ी, मैं भी फोन पे रो पड़ी। मैंने कहा आंटी ये क्या कह रहे हो? कह रही रूपाली आंटी विक्रम अंकल आपको जो बता रहे हैं ना कि गुरुजी उनको वापस लेकर आए हैं, तो ये वाकई में सच है, गुरुजी उनको वापस ले आए हैं, आपके अंकल की लाइफ को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। देखिए संगत जी, टर्की में जिस तरह मेरे अंकल गिरे थे, सिर लगा था जमीन पे, कुछ भी हो सकता था। जो चोट मैंने गुरुजी को कहा वो प्लेट हाथ में नहीं डलनी चाहिए गुरुजी प्लीज, बट गुरुजी ने वो चोट उनके हाथ पे दे दी। ये जानी जान है हमारे गुरुजी, हम मानते हैं, हमें नहीं मानना चाहिए, हमें सिर्फ गुरुजी को मानना चाहिए। आप देखिए कुछ भी हो सकता था मेरे अंकल को उस दिन, टर्की में भी हो सकता था। उसके बाद जो विपदा आई वो ऑपरेशन ओटी के अंदर आई, वहां मेरे अंकल ने क्लियर वर्ड्स में मुझे कहा, कहते रूपाली मैं तेरे सिर की कसम खा के कह रहा हूँ मैं चला गया था, मुझे वापस गुरुजी लेकर आए। तो आप देखिए संगत जी, गुरुजी कितनी जानी जान है। तब मैंने शुक्राना गुरुजी का सत्संग करवाया तो मैंने कहा कि गुरुजी सच में मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है आपका, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी मेरे अंकल की लाइफ को ब्लेस करने का। वो एक्सीडेंट, वो गिरे, जो भी था, वो चोट लग के कुछ भी हो सकता था, बट वो चोट उन्होंने हाथ पे दे दी, जो कष्ट इतना बड़ा उनके ऊपर आया हुआ था वो हाथ पे दे दिया। उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज क्या आता है, जब मैंने देखा, मैं आई थिंक मैंने फेसबुक पे शायद देखा था, जैसे ही ओपन करी बहुत बड़ी विपदा आई सी टाल देती है, मतलब गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं कह रही हूँ गुरुजी सबकी फैमिलीज को, सबके अंकल सबकी आंटी सबकी फैमिलीज को यूं ही ब्लेस करते रहना गुरुजी, किसी पे कोई ऐसी विपदा ना आए, कोटम कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इतना जान लीजिए संगत जी, भोले भाव के साथ गुरुजी से जुड़े, चलाकियों के साथ नहीं, दिखावों के साथ नहीं, भोले भाव, बच्चे बन जाइए, मंद बुद्धि बन जाइए, कोई अकल नहीं है हमें गुरुजी, हमें जो करवाने हैं आपने करवाने हैं, हम तो मंद बुद्धि बेवकूफ लोग हैं, हमें कुछ नहीं आता, कुछ दीन दुनिया का नहीं पता। सच कह रही हूँ गुरुजी, जो आपके आगे चलाक लोग भी होते हैं ना उनसे भी बचाव कर देंगे गुरुजी का, अगर इनके आगे आप भोले भाव से जुड़ जाओ। कोटम कोट शुक्राना मेरे मालिक, सेवा बख्शने का अनंतम शुक्राना।